क्वेश्चन हियर इज, वो कौन सा एलिमेंट है प्ले के अंदर जिसको आप ट्रेजिक एलिमेंट के तौर पे इंक्लूड कर सकते हो? कॉमेडी है मतलब रोमांस है, कॉमेडी है, वो बिल्कुल प्ले के अंदर हमें दिख रहा है, और जो हमारा प्ले है जब वो एंड होता है तो वो कैसे एंड होता है, मतलब हैप्पी एंडिंग के साथ, तो वो एक और पॉइंट हो जाता है कि हाँ ये जो हमारा प्ले है ये एक कॉमेडी है। ठीक है, ट्रेजेडी वाला कौन सा पॉइंट है, मतलब आप किस चीज की वजह से कह सकते हैं कि ओके दिस प्ले इज ए ट्रेजेडी, कौन सा कारण है, वो ट्रेजिक एलिमेंट क्या है? डेथ तो है नहीं, मरा नहीं, पाउंड ऑफ फ्लैश भी निकला नहीं एंटोनियो की बॉडी से, सो वो है क्या ट्रेजिक एलिमेंट, किस चीज को कंसिडर किया जा सकता है? सोच के बताएंगे कि भाई ठीक है, हमने हमने आपने रट्टा मार लिया कि हाँ एग्जाम में आएगा, हम बता देंगे कि राइट आंसर क्या है, ट्रेजिक कॉमेडी है, डन है। 1 pound फ्लैश इन कोर्ट, उसको लेकर के ट्रबल वाली बात को चंद्रमोहन इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है, कि एक सिचुएशन बिल्कुल ऐसी आ गई थी कि अब तो ये निकलेगा ही, पर निकला नहीं। कुछ लोग यहाँ पे काउंटर कर सकते हैं जो कहें कि भैया ट्रेजिक डील नहीं है, वो बिल्कुल काउंटर कर सकते हैं कि भाई उसके शरीर से कटा तो है नहीं, ट्रेजिडी के अंदर तो बंदे मरते हैं, आपके तो यहाँ एक भी बंदा नहीं मरा, रोमांटिक कॉमेडी कह सकते हैं, क्योंकि जो बाद वाले हमारे वर्क्स हैं उनके अंदर इंक्लूड किया जाता है, रोमांटिक कॉमेडी भी आएगा कह सकते हैं। और इसके अंदर जो क्रिटिक्स लोगों ने टर्म यूज किया है उसके हिसाब से ये पजल प्ले है, जो प्लॉट है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपस में चीजें बहुत ही ज्यादा एकदम ऐसे घुसी हुई हैं, उस वजह से इसको पजल प्ले भी कह सकते हैं। और एक आपका है जो आप याद रखेंगे जरूर, सेमिटिक प्ले, सेमिटिक प्ले ये वाली चीज याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि रिलीजन बायसनेस को थोड़ा सा दिखाया गया है इसके अंदर, जो ज्यू और वो क्रिश्चियन वाली बात की गई है, डिटेल में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि देयर आर सर्टेन लाइंस जहां पे डिमीन करने की कोशिश की गई है ज्यू को, और ज्यू वाली पार्टी से डिमीन करने की कोशिश की गई है क्रिश्चियन वाली पार्टी को। इनफैक्ट लास्ट में जो उसको दंड देते हैं उसमें एक होता है कि तुमको अपना ज्यू वाला जो है रिलीजन उसको चेंज करके क्रिश्चियन बनना पड़ेगा तब हम तुम्हें माफ करेंगे, जो दो कंडीशंस होते हैं उसमें से एक ये होता है कि तुम क्रिश्चियन बनोगे शाइलॉक को, तो उसके लिए टर्म याद रखिएगा सेमिटिक, रिलीजियस बायसनेस के लिए ये टर्म यूज किया जाता है। और थोड़ा सा इसको कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल, रेशियल जू और क्रिश्चियन की वजह से। ठीक, तो ये कुछ एक टर्म्स थे, याद रखेंगे हम लोग यहाँ पे अपने टाइप ऑफ प्ले को लेकर के। पजल प्ले उतना इम्पोर्टेंट नहीं है यहाँ पे, आपके जो पूछे जाने के चांसेस हैं ट्रेजिक कॉमेडी पूछ सकते हैं, रोमांटिक पूछ सकते हैं, सेमेटिक पूछ सकते हैं, वो एक आध क्रिटिक का ओपिनियन है कि क्योंकि इतना कॉम्प्लेक्स नेचर है, बहुत सारे प्लॉट्स हैं, इसकी वजह से ये कैसा प्ले है, पजल प्ले है, फर्स्ट फोलियो के हिसाब से कॉमेडी में इंक्लूड किया जाता है, फर्स्ट फोलियो की नवल, बिल्कुल करेक्ट है, ये जो प्लॉट्स आपने बताए हैं करेक्ट, ये हमारे यहाँ पे प्लॉट्स हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीजें पढ़ते हैं, तो इसमें रिटर्न को लेकर के फिर वही हिसाब किताब है कि बहुत कंफर्म डेट नहीं पता, कहीं 2 साल लेते हैं, कहीं 5 साल लेते हैं, तो 1596, 97, 98, 99 तक मेंशनड है जहां पे ये कहा जाता है कि ये लिखा गया होगा, परफॉर्म्ड किंग जेम्स दी फर्स्ट के सामने, विलियम शेक्सपियर की जो कंपनी है उन्होंने परफॉर्म करा था 1605 में इन फ्रंट ऑफ जेम्स दी फर्स्ट, पूरी कोशिश थी राजा की बटरिंग की, है ना, और पब्लिश्ड, पब्लिश्ड को लेकर के भी बहुत सारे वर्जन है, पर जो थोड़ा एक्यूरेट माना जाता है वो 1600 क्वार्टो को माना जाता है, ये भी कि फर्स्ट फोलियो में जो आया था वर्जन उसमें कुछ एक चीजें ऑल्टरेशन करके कुछ लाइंस हटाई गई थी, कुछ लाइंस एड ऑन की गई थी, और ये 1600 क्वार्टो वाले को इंक्लूड किया गया था वहां पे। जी नवल करेक्ट है। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं।
ये पढ़ लिया हमने। अब इसके अंदर जो आपके कहानी के अंदर चीजें हमें देखने को मिलेंगी, थीम्स, सो प्लॉट क्या है, कहानी क्या है। सिंपल शब्दों में, एक मर्चेंट है और वो प्रॉमिस करता है अपने दोस्त के लिए कि मुझे ये इतने पैसे दो और उसके बदले में, मतलब वट एवर इज योर कंडीशन आई फुलफिल। और जो हमारा वो जो पैसे दे रहा पार्टी है वो जियो मर्चेंट होता है, उसको वैसे उससे खुन्नस है, मतलब यू नहीं के पैसे लेने की वजह से, पहले से ही उसको वो नापसंद करता है एंटोनियो को, क्योंकि उसके अपने बिजनेस के नुकसान होते हैं एंटोनियो की वजह से। तो वो कहता है कि मैं 1 पाउंड फ्लैश लूंगा अगर तुम ये नहीं लौटा पाओगे विद इन टाइम। अब उसके शिप की सूचना आती है कि सारे शिप हमारे क्या हो गए, रैक हो गए, सारा कुछ नुकसान हो गया, पैसे नहीं आएंगे। तो फिर किस तरीके से वहां पे कोर्ट रूम के अंदर चीजें होती हैं, फिर एक जो साइड स्टोरी होती है उसमें से पोर्टिया जो कि उस फ्रेंड की जिसके लिए उसने पैसे लिए थे उसकी वाइफ होती है, वो आके यहाँ पे लॉयर बन के किस तरीके से बचाती है एंटोनियो को। ये एक हमारा आप कह सकते हैं मेन प्लॉट है, पर अगेन जैसे नवल ने कमेंट करा है कि इसके अंदर बहुत सारे सब प्लॉट्स हैं। 4 कहानियां आपकी बीच बीच में आपको देखने को मिलेंगी, कास्केट वाली और बाकी सारी कहानी। सो थीम जो चीजें हमें देखने को मिलेंगी, एक तो प्रेजुडिस, वो जो ज्यू और क्रिश्चियन वाला है कि तुम ऐसे हो और तुम वैसे हो, फिर जो वो 1 पाउंड फ्लैश वाली बात होती है वो बदला है कि अच्छा मौका मिला है मुझे, मैं शाइलॉक जो हमारा ज्यू मर्चेंट है वो एंटोनियो जो कि क्रिश्चियन मर्चेंट है उससे बदला लेने के लिए कहता है। और बाद में मैं आपको दिखाऊंगी लाइंस, उसको 2 गुना 3 गुना 10 गुना तक पैसे ऑफर करने को लोग राजी हैं कि तुम ये ले लो अमाउंट, पर छोड़ दो, मत काटो उसके बॉडी से 1 पाउंड फ्लैश, बॉन्ड पे जाऊंगा, बॉन्ड में लिखा है मुझे यही चाहिए। ठीक, तो रिवेंज। पर क्योंकि बाद में जो पोटी आती है और उसकी वजह से सही फैसला होता है बहुत ही ट्रिक से, आप एकदम से देखो कि एक लाइन में कहानी बदल गई, एक बट आता है और कहानी बदल जाती है। तो जस्टिस भाई, अंत भला तो सब भला वाली चीज कर रखी है हम लोगों ने, फिर बॉन्ड है, कॉन्ट्रैक्ट है, और किसकी वजह से है, पैसे की वजह से है, सो मनी है, और एक आपका आप कह लीजिए पजल है, कौन सा, कास्केट वाला। कोटिया के फादर ने एक नियम बना के गए हैं कि इसी के हिसाब से तुम्हारी शादी होगी, जब तक कोई तुम्हारा वो राइट कास्केट नहीं चूज करेगा तुम्हारी शादी नहीं होगी। तो एक हमारे थीम में पजल भी आ सकता है। और क्योंकि हमारे 3 कपल्स हैं तो हम लोग यहाँ पे लव भी लिख सकते हैं, और क्योंकि ये अपने दोस्त के लिए जान देने को राजी है इसलिए फ्रेंडशिप भी ले सकते हैं। भाई एंटोनियो को कोई अपने लिए तो पैसे चाहिए नहीं थे, पसेनियो के लिए लिया था उसने, तो बहुत ही ज्यादा गहरी दोस्ती भी है। ठीक, तो ये कुछ एक हमारे इंपॉर्टेंट थीम्स हैं, और इस प्ले का इंपॉर्टेंस आप उसी से समझिए कि सबसे ज्यादा ऑन स्टेज जो यू प्ले किए जाते हैं प्लेज, उसके अंदर हैमलेट आता है और रोमियो एंड जूलियट आता है बहुत ज्यादा, मतलब हर जगह कॉलेज लेवल पे या सीरियल लेवल पे, मूवी लेवल पे, कहानी को इम्प्रूव करने की बात की जाए तो हैमलेट और रोमियो एंड जूलियट को सबसे ऊपर माना जाता है विलियम शेक्सपियर के प्लेस में, और उनको टक्कर देता है कॉमेडी में से मर्चेंट ऑफ वेनिस, इतना ज्यादा पॉपुलर प्ले है। ठीक है, सोर्सेज आप लोग देख लेंगे अपने स्टडी मटेरियल से कि कहाँ कहाँ से लिया गया है, एक छोटी 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 चीजें कहीं कहीं से इंस्पायर्ड होके ली गई हैं। ठीक, प्लॉट है ही है, एंड प्रॉब्लम प्ले के अंदर कह सकते हैं कि कोई बहुत ही ज्यादा प्रॉपर हमारा वो नहीं है प्रोटैगनिस्ट, क्लियर हीरो नहीं है इस वाली मूवी के अंदर। जो लव स्टोरी है वो बसेनियो और पोर्टिया की है, जो आपके प्ले का टाइटल है मर्चेंट ऑफ वेनिस वो एंटोनियो है, वो उतना एज सच प्ले के अंदर कुछ नहीं कर रहा, सेकेंडरी रोल में है, पैसिव रोल में है, ना उसने बहुत कोई एक्शन करा है, ना अपने लिए कुछ लड़ाई करी हो, ना दूसरों को बचाया है। एक वो वही बॉन्ड के लिए आगे बढ़ के प्रॉमिस करता है कि हाँ मैं अपने दोस्त की जिम्मेदारी लेता हूँ, मैं पैसे लौटाऊंगा, और जब नहीं लौटा पाता है तो कहता है ठीक है काट लो, मैं रूल के हिसाब से चलूंगा, ले लो अपना 1 पाउंड फ्लैश। तो ये एक थोड़ा सा प्ले के अंदर लोग निकालते हैं कि ये कमी है और ये प्रॉब्लम है कि देयर इज नो क्लियर कट डिफाइंड प्रोटैगनिस्ट, हीरो की बात कर रही हूँ,
हमारा बहुत ही क्लियर हीरो इसके अंदर नहीं है। बसेनियो को आप मेन कैरेक्टर में नहीं इंक्लूड करते हो, आप एंटोनियो को मेन कैरेक्टर में इंक्लूड करते हो, पर वो पैसिव है, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं रहा है ना। ठीक, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी। अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स, क्रिटिक्स वगैरह ने क्या कहा है वो भी देख लीजिएगा। बार-बार को इक्वल कर रहे हैं, ठीक है। एक दो एक एडिशनल पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। हमारे कपल्स, उसमें कैरेक्टर के अंदर तो मैं आपको बताऊंगी, पर वैसे अलग से बता देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, क्योंकि नाम थोड़े कंफ्यूजन वाले हैं, है ना। तो जो हमारा सबसे बिल्कुल मेन वाला कपल है वो है बसेनियो एंड पोर्टिया। बसेनियो और पोर्टिया, ये हमारा सेटिंग, चंद्रमोहन सेटिंग, बिल्कुल। हम लोग सेटिंग में डिस्कस करते हैं, तो सेटिंग के अंदर एक तो ये आपको यहीं से मिल गया नाम से, वेनिस एंड बेलमोंट, दो लोकेशन की बात हो रही है। जो हमारा ये बॉयज गैंग है ये कहाँ पे है, वेनिस में है, बहुत सारे हैं, आपस में दोस्त हैं। और ये यहाँ से, यहाँ पे कौन है, पोर्टिया है हमारी। और वेनिस से बेलमोंट जाना था पोर्टिया को वू करने, उसको आम शब्दों में पटाने, तो उसके लिए किसको पैसे चाहिए थे, बसेनियो को। अब ये पहले भी पैसे ले चुका होता है एंटोनियो से, और अभी राइट नाउ एंटोनियो की सारी जो भी चीजें हैं वो सब जहाज पे है, समुद्र के बीच में है, तो करंटली उसके पास पैसे नहीं है कि वो उसको उतना दे सके। अब इसी वजह से फिर वो लोग जाते हैं शाइलॉक के पास कि तुम हमें पैसे दे दो, ताकि यहां से बसेनियो कहाँ जा सके, बेलमोंट पोर्टिया को वो कर सके, शादी कर सके, और चाहिए थे। सो दो सेटिंग है हमारे, दो लोकेशन की बात हो रही है। ठीक, सो बसेनियो और पोर्टिया पहला पेयर हम लोग याद रखेंगे। फिर दूसरे में बसेनियो का दोस्त है ग्रेशियानो, और इसकी पेयरिंग होगी किसके साथ, नेरिसा के साथ। So, ये पोर्टिया के लिए बिल्कुल सही लिखा है किसने, नवल ने, ये है एक रिच एयरेस, फादर की डेथ हो गई है पर मजे के पैसे हैं इसके पास, अमीर है ये। इसकी वो है मेड कह लीजिए, लेडी इन वेटिंग कह लीजिए, जो उसके साथ रहती है हमेशा, नेरिसा, है ना। और तीसरा इन्हीं में से एक और दोस्त कौन, लोरेंजो, और लोरेंजो के साथ है जेसिका। जेसिका कौन है, हमारे शाइलॉक की डॉटर है, मजेदार कैरेक्टर है। पापा इसके ज्यू हैं, पापा से नफरत करती है, ज्यू के कॉन्सेप्ट से नफरत करती है, भागती है किसके साथ, लोरेंजो के साथ, भागते समय अपने पापा की सारी चीजें जो भी उनके कास्केट्स में ज्वेलरी थी, सारी चीजें हैं, लेके भागती है लोरेंजो के साथ, अपने शादी कर लेती है और क्रिश्चियन बन जाती है। तो बिल्कुल विद्रोही लड़की जेसिका, शाइलॉक की डॉटर। तो ये आपको दिखेंगे कपल्स इसमें प्ले के अंदर। और प्लॉट, जो छोटी छोटी कहानियां हैं, बहुत ऐसे अलग अलग फैमिली की कहानियां नहीं है, पर ये एक तरीके से आप कह सकते हैं कि दीज आर यूनिक सेंटर ऑफ स्टोरी या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या प्लॉट कह सकते हैं। किंग लियर जैसे बिल्कुल दो अलग अलग कहानियां नहीं है। किंग लियर के केस में होता है कि हाँ, किंग लियर और उसके तीन डॉटर और एक कहानी, और उधर हमारे जो आपके एडमंड और एडगार हैं और उनके पापा हैं, वो एक अलग कहानी। उस तरीके से दो प्लॉट नहीं है, मिक्स्ड है, पर स्टिल इनको करते हैं। तो एक हमारा प्लॉट है ये बोरोड मनी वाला, जहां से आपके क्वेश्चन आएंगे कि किसको पैसे चाहिए, किसने प्रॉमिस करा, कितने पैसे चाहिए, क्या बॉन्ड बना, क्या लिखा गया, कितने महीने में देना था, वो सारे क्वेश्चंस बनेंगे। सो एक प्लॉट किसका हो गया, बोरोड मनी का हो गया। ठीक, एक हमारा प्लॉट हो जाता है थ्री कास्केट्स का। और मैं इसलिए बता रही हूँ कि जब हम लोग रियल लाइंस पढ़ेंगे तो आपका ध्यान जाए उन चीजों पे। थ्री कास्केट्स, क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन कौन सी चीजों के वो तीन कास्केट्स थे, कास्केट के ऊपर क्या क्या लिखा था, किसने कौन से कास्केट को ओपन करा,
कास्केट ओपन करने में क्या चीज उनको देखने को मिली, क्योंकि एक्चुअली मैं ढूंढना था किसका, पोर्टिया का पोर्ट्रेट, तस्वीर उसकी, पर जो दो दूसरे कास्केट्स होते हैं उनके अंदर भी कुछ कुछ मिलता है, वो हमें ध्यान रखना होगा, किसने ओपन करा ये ध्यान रखना होगा, एक्चुअली में कौन सा वाला हमारा वैलिड कास्केट था वो ध्यान रखना होगा, है ना। सो थ्री कास्केट्स और उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, इसके क्या लिखा है कास्केट्स के ऊपर कई बार आता है क्वेश्चन के अंदर, क्या इंस्क्राइब्ड था उसके ऊपर, क्या लाइन थी, और किसने किस कास्केट को ओपन करा था ये भी आता है, तो ये बहुत ही मेजर पॉइंट है। ठीक, फिर उसके बाद एक हमारा ये जेसिका वाली कहानी, ये अलग एक लव स्टोरी है। सो जेसिका इलोपमेंट, कैसे अपने पापा से झूठ बोल के और भागती है अपने घर से चीजों को लेकर के, और एक आपका कोर्ट केस, इसको हम लोग कहानी का क्लाइमेक्स कह सकते हैं, बिल्कुल सबसे ज्यादा जब ऑडियंस सांस तक लेना भूल जाए और कहानी के अंदर इन्वॉल्व हो जाए, उस तरीके की सिचुएशन होती है ये कोर्ट केस वाली। और एक लास्ट में रिंग एपिसोड है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑलरेडी इतनी चीजें हो चुकी हैं जिस पे हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो रिंग एपिसोड को उतना इम्पोर्टेंट नहीं माना जाता है, पर ये मुझे लगता है कि एड ऑन करा गया था थोड़ा सा प्ले को सूद करने के लिए, हंसी मजाक के वाले एलिमेंट के साथ प्ले को एंड करने के लिए, कैसे लगता है कि हाँ इस वाली चीज के बगैर भी हमारा प्ले बन सकता था, बहुत ही सक्सेसफुल प्ले बनता, पर इसको एड ऑन करा गया था ताकि हमारा प्ले एंड हो लाइटर नोट पे, थोड़ा फनी नोट पे, कि अरे देखो मैंने तुम्हें कैसे बेवकूफ बनाया, वो वाले नोट पे, जो कि किसका एलिमेंट है, कॉमेडी का एलिमेंट है ना, तो उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, बहुत क्वेश्चन नहीं देखा मैंने इसके ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी हमारे ये चार बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लॉट्स हैं जहां से हमारे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक, तो ये आपके प्लॉट्स इम्पोर्टेंट हैं, याद रखेंगे, अभी जब हमारी लाइंस होंगी तो आप रिलेट कर सकते हो, कुछ अपना शॉर्ट पॉइंट बना सकते हो कि ये बोरोड मनी से है, ये थ्री कास्केट से है, ये दोनों, अगेन ये दोनों आपके सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जैसे का एलोपमेंट थोड़ा सेकेंड लेवल पे है, कोर्ट केस इम्पोर्टेंट है, और रिंग एपिसोड नहीं है इम्पोर्टेंट उतना। कपल्स जरूर याद रखेंगे कौन किसके साथ है, नाम याद कर लीजिए, बसेनियो पोर्टिया, ग्रेशियानो नेरेसा और लोरेंजो जेसिका। इसमें अगर आप पूछोगे कि कौन से कपल इंपॉर्टेंट हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कपल है, ये ओके इंपॉर्टेंट कपल है, वो बस है। ठीक, हटा दूं मैं, अब हम लोग बात करेंगे, नहीं है मतलब आप अगर बहुत फैक्ट पे जाएंगे तो वेनिस रियल जगह है, ये इमेजिनरी जगह है, प्ले के लिए एक क्रिएट किया गया सॉर्ट ऑफ जगह है। ठीक, सो यहाँ पे हमारी मेन कैरेक्टर है पोर्टिया, जो कि एक रिच एड्रेस है। ये रिच वाला टर्म क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको वो करने के लिए फिर बसेनियों को चाहिए क्या हो गए थे, पैसे चाहिए हो गए थे, फिर इसकी मेड, मेड हम लोगों ने नोट किया हुआ है, कर लें इसके साथ हमारी जो मेड है नेरिसा, लेडी इन वेटिंग भी आ सकता है, दोनों चीजें ओके हैं, बहुत आसान शब्दों में सर्वेंट भी लिख सकते हैं पर उतना करेक्ट नहीं होगा। फिर अब पोर्टिया के साथ बाल्थजार और स्टीफेनो, बाल्थजार और स्टीफेनो ये हैं सर्वेंट्स। यहाँ पे एक पॉइंट क्या है जो आपको याद रखना है, क्वेश्चन आएगा, पोर्टिया और नेरेसा जब यहाँ आते हैं वेनिस में बचाने, वेनिस में जब बचाने आएंगी तो दे विल बी डिस्गाइज्ड, अपने आप को उन्होंने छुपा के रखा होगा, और उस समय वो लोग नाम क्या रखेंगे, पोर्टिया विल बी बैल्थजार। ठीक, ये इसका
डिस्गाइज नेम है, एंड नेरिसा विल बी स्टिफेनो। ये लोग अपने सर्वेंट्स का नाम ही यूज कर लेंगे, ये इसका डिस्गाइज नेम है। यहीं पे एक क्वेश्चन आता है कि वो रोल क्या करेंगे यहाँ पे आने के बाद, और मैंने देखा लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस चीज को लेकर के। और इस मेन आप कह सकते हो, इसके लिए भी मैं आपको रियल टर्म्स दिखाती हूँ, ताकि वो जो आप अलग अलग समरी पढ़ते हो, अब समरी के अंदर क्या होता है, हर कोई अपने अपने प्ले के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से टर्म लिख देता है। समरीज के अंदर ना आपको अलग अलग शब्द मिल जाते हैं, गलत नहीं है, पर हर कोई अपने समझ से समरी लिखता है ना। तो हम लोग इसीलिए थोड़ा सा रियल भी लेके चल रहे हैं क्लास के अंदर। अब ये जो पोर्टिया है, ये बनेगी डॉक्टर ऑफ लॉ। मैंने लिटरली देखा है लोगों को लड़ते हुए कि नहीं वो डॉक्टर होती है, नहीं वो लॉयर होती है, नहीं वो डॉक्टर होती है, वो नहीं वो लॉयर होती है। जो टर्म है वहां पे वो क्या है, डॉक्टर ऑफ लॉ, मतलब एडवांस लेवल लॉ का इतना कमांड है। ठीक, नेरिसा है लॉ क्लर्क। तो अब मान लो किसी ने समरी में डॉक्टर लिख दिया, किसी ने समरी में लॉयर लिख दिया, एक आध समरी में मैंने जज भी लिखा हुआ देखा है, ध्यान रखेंगे। और इसीलिए अपनी अंडरस्टैंडिंग रखिए एग्जाम में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही लिखा आएगा, यही ही लिखा आएगा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले का हमें नहीं पता वो कहाँ से फॉलो करेंगे। तो आसपास के शब्दों को भी रखिएगा दिमाग में। सो ये हो गए हमारे बेलमॉन्ट के लोग। अच्छा, अभी वो भी तो है हमारे सूटर्स। सो सूटर्स को देखें, जगह है नीचे। शादी करने के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं, उसमें हमारे पास हैं प्रिंस ऑफ मोरक्को, प्रिंस ऑफ मोरक्को और प्रिंस ऑफ आरेगॉन। प्रिंस ऑफ मोरक्को कौन गोल्ड सेलेक्ट करेगा, कौन सिल्वर सेलेक्ट करेगा, कमेंट करके बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि कौन क्या सिलेक्ट करेगा। ये वाला बंदा एक्चुअली इंटरेस्टेड है, और ये वाला बंदा थोड़ा सा प्रेशर में इंटरेस्टेड है, इसलिए दो अलग अलग लाइंस। ओके, मोरक्को गोल्ड और आर्गन सिल्वर, करेक्ट। सो इसने सिलेक्ट करा है कौन सा, गोल्ड का कास्केट, और इसने सिलेक्ट करा है सिल्वर का कास्केट। गोल्ड का कास्केट और सिल्वर का कास्केट, ये हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, आर्गन सिल्वर, करेक्ट। जरूर याद रखिएगा, मतलब बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन, गलत नहीं कर सकते हम लोग। ये हो गए सारे बेलमॉन्ट के लोग। पोर्टिया है, पोर्टिया को बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं उससे शादी करने के लिए, मतलब अपमान के चलिए 10 तो शायद प्ले में ही मेंशन है, जिनका एग्जाम्पल दिया गया है कि हाँ ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। और इसके पापा ने क्या नियम रखी है, लिख रखा है कि ये तीन कास्केट हैं, जो भी वो वाला कास्केट सेलेक्ट करेगा जिसमें तुम्हारा पोर्ट्रेट होगा, वही तुम्हारा हस्बैंड बनेगा। पोर्टिया को चिंता है कि मैं तो शायद ऐसे ही रह जाऊंगी, क्योंकि कोई इससे पहले भी लोगों ने चूज करा हुआ है, उन्होंने सही नहीं चूज करा हुआ है, तो मुझे लगता नहीं कि आगे कोई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। फिर उनकी बातचीत होती है, उसमें नरिसा मेंशन करती है कि वो भी तो आया था वेनिस वाला गाय, कहती हाँ वो अच्छा था, काश वो सही सेलेक्ट कर ले, उसमें भी रिस्क है उसको। और थोड़ा सा डिले भी करना चाहती है पोर्टिया कि नहीं भी इतनी जल्दी मत करे, क्योंकि एक बार वो चूज कर लेगा, गलत चूज कर लेगा, फिर मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती, अपने मर्जी के बंदे से, ये उसके पापा ने कंडीशन रख रखी है। तो दो का हमारे सामने प्ले में दिखाया जाएगा सेलेक्ट करते हुए, नाम कईयों के हैं, और इसीलिए क्वेश्चन बन जाता है कि इसने क्या सेलेक्ट करा, ये इसने क्या सेलेक्ट करा, ये क्या लिखा था, क्या पढ़ा उन्होंने, वो हम लोग ओरिजिनल टेक्स्ट के साथ करेंगे। ये हिस्सा हमारा यहाँ पे डन है। अब आते हैं वेनिस में, वेनिस वाले लोकेशन में। ठीक, वेनिस में बीच में आपको जरूरत पड़ेगी ड्यूक की। हमारे ड्यूक का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, पर वो लास्ट का जो कोर्ट सीन होगा वो हमारे
ड्यूक के सामने होगा, जहां पे पोर्टिया शाइलॉक की धज्जियां उड़ा देंगी और बाकी के जो बॉयज हैं भक्त हो जाएंगे उसके। तो ड्यूक यहाँ के लिए इंपॉर्टेंट है। कोर्ट सीन किसके ड्यूक हैं? वेनिस के ड्यूक हैं। अब यहाँ पे वेनिस में हमारी दो पार्टीज हैं, सो मैं ये हल्का सा बाइफर्केशन कर रही हूँ दो पार्टीज के बीच में। सबसे पहले देखते हैं शाइलॉक को। सो शाइलॉक ये है एक ज्यू मर्चेंट, ठीक। अब इनकी डॉटर है जेसिका, याद हो गया होगा अभी तक। इन दो नाम में कंफ्यूज नहीं होंगे, मेड नेरिसा है, डॉटर जेसिका है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, मेड नेरिसा है, डॉटर जेसिका है। शाइलॉक्स डॉटर। शाइलॉक का यहाँ पे एक दोस्त भी है, ट्यूबल। ये है ज्यू है और शाइलॉक का फ्रेंड है, ठीक। ये इनके बीच में दोस्ती है ट्यूबल और शाइलॉक की। फिर यहाँ पे एक हमारे पास सर्वेंट है, सो सर्वेंट लैंसलॉट। ये सर्वेंट और ओल्ड गोबो, इसी का फादर। तो इसका भी पूरा ही नाम लिख लेते हैं, वैसे तो लॉन्सलॉट ही आएगा, पर लॉन्सलॉट गोबो ये सर्वेंट है। ये हो गया शाइलॉक का परिवार। शाइलॉक जो कि एक ज्यू मर्चेंट है, उसकी डॉटर जेसिका, उसका दोस्त ट्यूबल, और लैंसलॉट सर्वेंट है, और ओल्ड गोबो उसका फादर है। बीच में एक एपिसोड है प्ले के अंदर जहां पे लॉन्सलॉट के सामने ओल्ड गोबो आता है। ओल्ड गोबो एक गिफ्ट लिए हुए होता है जो वो देना चाहता है शाइलॉक को। शाइलॉक को ढूंढ रहा होता है, ये जान जाता है कि ये मेरा फादर है, तो उसके साथ थोड़े से मजे लेता है। बाद में बता देता है कि हाँ मैं तुम्हारा बेटा हूँ। शुरू में ये मानने को राजी नहीं होता, फिर मानता है, और फिर वो जो गिफ्ट लाया था वो ये लोग दे देते हैं बसेनियों को। छोटा सा एपिसोड है इन लोग का भी कॉमेडी का। अब इधर आ गए हमारे मेन बंदे। सो एंटोनियो, एंटोनियो को बॉक्स में लिख देती हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा हमारा मेन कैरेक्टर है। तो ये है मर्चेंट, क्रिश्चियन लिखने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा मर्चेंट और इसका फ्रेंड है बसेनियो, यंग जेंटलमैन है, और फ्रेंड लिख लेते हैं। अब यहां से पोर्टिया, बसेनियो एंड पोर्टिया पैर याद रखेंगे, सूटर है। सो कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि पोर्टिया के कितने सूटर्स हैं, सो ये थ्री हार्ट्स याद रखेंगे, पोर्टिया के सूटर तीन, बसेनियो, प्रिंस ऑफ मोरिको और प्रिंस ऑफ आरेगॉन, थ्री सूटर्स, ठीक। अब बाकी के दोस्त देख लें। सो हमारे पास दोस्त ग्रेशियानो, फ्रेंड लोरेंजो,
फ्रेंड, सेलेनियो फ्रेंड, सलेरिनो फ्रेंड, सलेरियो, ये सारे हो गए फ्रेंड। नीचे का एरो दिख रहा है आपको, कुछ लोग को नहीं दिख रहा होगा, एरो और करेक्ट कर देती हूँ। ठीक है, अब जो ये हमारे मेन कपल हैं उसके अलावा ग्रेशियानो किसके साथ? नेरिसा के साथ। सो मैं ये येलो से बना रही हूँ, सॉरी पिंक से। और ये हमारा सेकंड कपल है। और लोरेंजो किसके साथ? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, जेसिका के साथ। ये हमारा सेकेंडरी कपल है। सो पिंक हार्ट, ब्लैक हार्ट। ब्लैक हार्ट वाले तीन लोग हैं, तीन सूटर किसके किसके साथ? मतलब ये बुरे नहीं है, बस अलग से आइडेंटिफाई हो सके इसके लिए मैंने ब्लैक से बनाया है। सो बसेनियो, प्रिंस ऑफ मोरिको, प्रिंस ऑफ एरेगॉन, ये हमारे तीन सूटर्स हैं किसके? पोर्टिया के। जिसमें से पोर्टिया एक्चुअली किसके साथ होती है बाद में? बसेनियो के साथ होती है। शादी उसकी किसके साथ होती है? बसेनियो के साथ होती है। जो सेकेंडरी कपल है उसमें ग्रेशियानो, यहाँ पे गैंग में से दोस्त, वो नेरिसा के साथ। और इसी गैंग में से लोरेंजो, जेसिका के साथ। जेसिका इसके साथ इलोप करती है, भागती है, इलोप विथ मनी, अपने फादर के पैसों के साथ। फिलहाल कहीं कोई क्वेश्चन अभी कैरेक्टर्स को लेकर के, कहीं पे कोई कंफ्यूजन लग रहा हो? नहीं। कहानी किसके किसके बीच होगी? शाइलॉक और एंटोनियो के बीच में बॉन्ड होगा। बॉन्ड जो होगा वो किसके बीच होगा? शाइलॉक और एंटोनियो के बीच में। इतने अमाउंट के लिए, इतने दिन के लिए नहीं कर पाओगे, 1 पाउंड ऑफ फ्लैश। अमाउंट बताइए, यहीं पे साथ के साथ लिख देते हैं। व्हाट इज द अमाउंट, व्हाट इज द ड्यूरेशन एंड आउटकम, तीन चीजें। कितने पैसे, कितने महीने, कितने रिजल्ट। सो पाउंड ऑफ फ्लैश। बसेनियो के साथ मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, ये कास्केट ओपन करता है, कौन सा? लेड वाला। सो तीन कास्केट दिख रहे हैं हमें, एक हमारा कास्केट है गोल्ड का, एक हमारा कास्केट है सिल्वर का, एक हमारा कास्केट है लेड का। असली वाला कास्केट लेड का है जो ओपन करा था बसेनियो ने। फिर से तीन कास्केट, गोल्ड सिल्वर लेड। गोल्ड प्रिंस ऑफ मोरक्को ने, सिल्वर प्रिंस ऑफ एरेगॉन ने, लेड बसेनियो ने। और फिर ये फाइनली उसका सूटर होता है। 3,000 ducats करेक्ट। सो एंटोनियो को मिले 3,000 ducats और 3 महीने। जी करेक्ट, लौटाना था 3 मंथ्स में। ये इतना कॉन्फिडेंट था कि कह रहा था कि मैं तो तुम्हें 2 ही महीने में लौटा दूंगा, एक बार मेरे जहाज तो आ जाए। पर हो नहीं पाता है, जहाज, न्यूज आती है कि सारे जहाज क्या हो गए, बिगड़ गए। सो ये इनका बॉन्ड था किसके किसके बीच में? बॉन्ड वॉज इन बिटवीन शाइलॉक एंड एंटोनियो। पैसे चाहिए थे बसेनियो के लिए, ये वाले जो पैसे चाहिए थे किसके लिए चाहिए थे? बसेनियो के लिए, ताकि बसेनियो जाके पोर्टिया को वो कर सके। फिर ये साथ में, ये साथी भी जाते हैं और फिर ये दूसरा रिजल्ट भी होता है। और कोई सीन? ठीक, अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं आपके रियल टेक्स्ट। छोटी समरी नहीं पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से काम भर की कहानी आपको यहीं से समझ में आ गई। अब थोड़ा सा लेवल 3 की पढ़ाई करते हैं। लेवल 1 क्या है? शॉर्ट समरी। लेवल 2 क्या है? एक्ट वाइज सीन वाइज समरी। लेवल 3 क्या है? रियल टेक्स्ट। सो वी आर गोइंग विथ लेवल 3, मर्चेंट ऑफ वेनिस के केस में। ये है मर्चेंट ऑफ वेनिस, एक्ट 1। शुरू में ये लोग की बहुत ज्यादा ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट बातचीत नहीं है, सो इसको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। बात होती है जहां पे बॉन्ड
का हमारा पॉइंट आता है। तो ये यहां से स्टार्ट है, देखिए आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक, तो यहां से बातचीत शुरू होती है जो हमारे काम की है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है। सो बसेनियो कहता है, इन बेलमॉन्ट देयर इज अ लेडी रिचली लेफ्ट। सो वो रिच एयरेस वाली बात कौन से लोकेशन में? बेलमॉन्ट लोकेशन में। शी इज फेयर, सुंदर है, फेयरर देन दी वर्ल्ड, जितना हमने सुना है उससे भी बहुत ज्यादा सुंदर है। एंड ये अपना कुछ 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 कुछ, फिर ये नाम, उस फेयर लेडी का नाम क्या है, रिच लेडी का नाम क्या है? पोर्टिया, कैटोज डॉटर, ब्रूटस, पोर्टिया, जो भी उनके वहां पे अपने लोग होंगे उसके परिवार के। तो हमारे लिए मेन बात क्या है यहाँ पे याद रखना? पोर्टिया। ठीक, कह कौन रहा है? बसेनियो। कह किससे रहा है? एंटोनियो से। ठीक, बसेनियो एंटोनियो से कह रहा है कि मुझे बेलमोंट में जाना है, वहां पे एक लेडी है, मुझे पसंद है और उसका नाम पोर्टिया है, और उसके लिए बहुत सारे आ रहे हैं रेनाउंड सूटर्स, जो कि उसकी मतलब उससे शादी करना चाहते हैं। बट आई बट दी मीन्स टू होल्ड ए राइवल प्लेस विथ वन ऑफ देम, मतलब उनके पास जो पैसे हैं, उनके पास जो चीजें हैं, मैं उनके खिलाफ खड़ा हो सकूं, मुझे उसके लिए मेरे पास सोर्स नहीं है। इस चीज को लेकर के वो परेशान है। ठीक, एंटोनियो क्या कहता है? Thou know that all my fortunes are at sea. मेरे जितने भी पैसे थे, मेरी जितनी भी चीजें थी, वो सब कहाँ पे हैं? समुद्र में हैं। Neither have I money nor commodity. ना तो पैसे हैं, ना गुड्स हैं कि मैं उसके बदले के पैसे ले सकूं, किसी को दे करके उसके बदले मुझे पैसे मिल जाए। मेरे पास ना तो कमोडिटी है, ना ही पैसे हैं, लेकिन क्रेडिट ले सकता हूँ। इतना वेनिस में मेरा है रुतबा कि लोग मुझे दे देंगे। तो फिर तुम बेलमोंट जा सकते हो और अपनी फेयर पोर्टिया से मिल सकते हो। ये बात कही एंटोनियो ने। बहुत ही अच्छा दोस्त है यहाँ पे। माई ट्रस्ट फॉर माई से कैसे करके ये यहाँ पे इनकी बात खत्म हो जाती है। आगे चले, अब हम आ गए ये एक्ट वन के सीन वन में, ये चीज हुई जहां पे दोनों दोस्तों के बीच में बात हुई। एक्ट वन के सीन टू में हम लोग पहुंच गए पोर्टिया के पास। कहाँ? बेलमोंट में। पोर्टिया और नेरिसा एक साथ हैं, ये अपनी बातचीत कर रहे हैं, ऊपर का ये सब इग्नोर करते हैं, मुद्दे पे चलते हैं, और वो रो रही हैं। क्या रो रही है? ओ मी द वर्ड चूज, मुझे इस शब्द से इतनी परेशानी है, मैं क्या बताऊं? आई मे नाइदर चूज हुम आई वुड नॉर रिफ्यूज हुम आई डिसलाइक। मतलब शब्द तो है चूज का मेरे साथ, लेकिन ना तो मैं अपने पसंद के बंदे को चूज कर सकती हूँ, ना ही मैं अपने नापसंद वाले को मना कर सकती हूँ। अगर उसके नापसंद वाले ने सही कास्केट खोल लिया तो उसको मजबूरी में शादी करनी पड़ेगी, क्योंकि उसने सही कास्केट को ओपन कर लिया। और ये वाला दुख है किसको? ये वाली लाइन कौन कह रहा है? पोर्टिया। किससे? डेरिसा से। डॉटर कर्ब्ड बाय द विल ऑफ ए डेड फादर, पिताजी तो चले गए और उन्होंने अपने वसीयत में ये वाली बात लिख रखी है। आई कैन नॉट चूज वन नॉर रिफ्यूज नान, ये वाली लाइन याद रखिएगा। आई कैन नॉट चूज वन नॉर रिफ्यूज नान, किसने कहा है? पोर्टिया ने कहा है। पोर्टिया, ये नरिसा अपना समझाने की कोशिश करती हैं। फिर इनकी बातचीत होती है कि अभी तो बहुत सारे तुम्हारे पास ये क्या है, प्रिंसली सूटर्स हैं। तुम्हारे पास बहुत सारे प्रिंसली सूटर्स हैं। ठीक, तो वो कहती है कि ठीक है तुम नाम लो, मैं तुम्हें बताती हूँ कि क्या दिक्कत है। तो हमको उतना नहीं जाना, सिर्फ आपको ये पॉइंट दिखाना है मुझे कि हाँ बहुत सारे सूटर्स थे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये मार्क कर रखा है। सो नरिसा ने पहला नाम लिया, नियपोलिटन प्रिंस। पोर्टिया ने अपना पॉइंट बताया कि भाई क्या दिक्कत है, उतना हम नहीं जा रहे उस पे। फिर नेरिसा ने दूसरा नाम लिया, काउंटी पैलेटाइन। पोर्टिया ने अपना पॉइंट बताया। नेरिसा ने कहा फ्रेंच लॉर्ड मॉन्जियर ली बॉन। पोर्टिया ने अपना पॉइंट। फाल्कन ब्रिज, क्या दिक्कत है? स्कॉटिश लॉर्ड, क्या दिक्कत है? जर्मन द ड्यूक ऑफ सैक्सोनीज नेफ्यू, क्या दिक्कत है? ये अपना बताए जा रही है कि भाई इन इनके साथ क्या पॉइंट हुआ यहाँ पे। और कौन है अंत में? कह रही है आई विल बी मैरिड टू ए स्पॉन्ज। स्पॉन्ज समझते हैं वो जिससे सफाई फाई की जाती है, जो पानी एब्जॉर्ब करता है। कह रही है ऐसा लग रहा है मेरी शादी किससे होगी? स्पॉन्ज से होगी। ठीक, ये इनकी बातचीत हो गई। यहाँ पे नरिसा कहती है,
डू यू नॉट रिमेम्बर लेडी, लेडी आपको याद नहीं है, इन योर फादर्स टाइम, मतलब जब आपके पिताजी जिंदा थे, अ वेनेशियन, वेनेशियन कहां से, वेनिस से, अ स्कॉलर एंड अ सोल्जर, सैनिक और पढ़ा लिखा, स्कॉलर, ज्ञाता, दैट केम हिदर इन कंपनी ऑफ द मार्क्विस ऑफ मॉन्टेफेरेट, ये जो भी मार्क्विस ऑफ मॉन्टेफेरेट आए रहे होंगे उनके साथ ये एक वेनेशियन गाय आया था, आपको वो याद नहीं है? पोर्टिया कहती है, यस यस इट वॉज बसेनियो, जहां तक मुझे याद है उसका नाम क्या था, बसेनियो नाम था। नहीं शालनी, सभी सूटर्स के नाम याद करने, मैंने जो बोर्ड पे आपको बताया है ना तीन नाम, हमारा प्रिंस ऑफ मरको, प्रिंस ऑफ एरेगॉन और बसेनियो, तीन नाम, उन्होंने कौन कौन से कास्केट ओपन करे ये वाली बात, और फाइनली किससे शादी हुई ये वाली बात, बाकी के सिर्फ इसलिए मैंने शेयर किया ताकि आपको पता हो कि भाई यही तीन नहीं थे, भीड़ लगी थी वहां पे, और इसलिए बसेनियो परेशान था कि भाई जल्दी से पैसे दो, मैं जल्दी से जाऊं, अदरवाइज आई लूज माई पोर्टिया, है ना, इसलिए जल्दी थी, वहां भीड़ लगी थी शादी करने के लिए, रिच एयरेस, है ना, तो पोर्टिया को याद आता है, यस यस इट वॉज बसेनियो। आगे नरसा कहती है, वॉज द बेस्ट डिजर्विंग ए फेयर लेडी, मतलब आप जो इतनी सुंदर हो आपके लिए वो बेस्ट। पोटिया कहती है, आई रिमेम्बर हिम, वर्दी ऑफ दाई प्रेज, ये जो तुम तारीफ कर रही हो, दाई क्या है, तुम, यू, ये जो तुम तारीफ कर रही हो उसके लायक था वो, याद है मुझे। तो ये इनकी बातचीत हुई। अब एक सर्वेंट आया, सर्वेंट क्या बता रहा है, आपसे मिलने आया है प्रिंस ऑफ मोरक्को। So, अभी तक के जो वो सूटर्स थे वो एक्स सूटर्स हो गए, ये लोग आ आके मिलके टहल के जा चुके हैं, अब हमारा यहाँ पे एक नया बंदा आता है प्रिंस ऑफ मोरक्को, जहां से हम सूटर्स की काउंट की शुरुआत करेंगे, पहला सूटर प्रिंस ऑफ मोरक्को। इनकी अपनी बातचीत होती है कि चलो हम मिलने चलते हैं। अब हम आ गए सीन थ्री, एक्ट वन सीन थ्री। सो एक्ट वन सीन वन में क्या हुआ, एंटोनियो बेसेनियो की बात है, एक्ट वन सीन टू में पोर्टिया नेरेसा की बात है, सूटर्स की। अब हम एक्ट वन के सीन थ्री में आ गए हैं, ये आपकी पैसों वाली बात है, शाइलॉक, 3,000 डकेट्स, अभी आप लोगों ने कमेंट में लिखा था, मैंने बोर्ड पे लिखा था, अमाउंट याद रखेंगे, 3,000 डकेट्स, कितने टाइम के लिए, 3 मंथ्स के लिए, ये बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए। एक्ट वन सीन थ्री, शाइलॉक बसेनियो, शाइलॉक सब ओके ओके बोल रहा है, 3,000 डकेट्स ओके, फॉर 3 मंथ्स ओके, एंटोनियो शैल बी बाउंड, एंटोनियो शैल बी बाउंड ओके, फिर ये इनकी बात हो गई, सारा कुछ होगा, प्रॉमिस कौन कर रहा है, एंटोनियो प्रॉमिस कर रहा है, ये इनकी अपनी यहाँ पे बात हो रही है कि जहाजों का क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हम लोग को उसमें उतना नहीं जाना है, इधर चलते हैं। ठीक, अब आया हमारा एंटोनियो, अभी तक की जो बातचीत हुई किसमें हुई थी, शाइलॉक और बसेनियो में, बसेनियो इंट्रोडक्शन करता है कि ये है हमारे सर एंटोनियो, शाइलॉक असाइड में कह रहा है, ये देखिए लिटरेरी डिवाइस के अंदर हम लोग असाइड पढ़ते हैं, जहां पे कोई कैरेक्टर स्टेज के किनारे जाकर के ऑडियंस से बात करता है और दूसरे कैरेक्टर्स उसको नहीं सुन पाते, असाइड आप लोग पढ़ते हैं ना लिटरेरी डिवाइस के अंदर, तो शाइलॉक स्टेज के असाइड में जाकर के ये वाली बात बोल रहा है, तो हम आप जो ऑडियंस हैं प्ले को देख रहे हैं हमने ये बात सुनी है, बाकी के कैरेक्टर्स ने इस बात को नहीं सुना है। क्या कहता है बाकी सारों में से इंपॉर्टेंट लाइन, आई हेट हिम फॉर ही इज ए क्रिश्चियन, मुझे इंडिविजुअल से वैसे नहीं दिक्कत है पर मैं क्यों नफरत करता हूं, क्योंकि ये क्रिश्चियन है, बट मोर फॉर दैट इन लो सिंपलिसिटी, वो जो इतना सीधा साधा रहता है उससे भी, क्रिश्चियन भी और सिंपलिसिटी भी, ही लेंड्स आउट मनी ग्रेटिस एंड ब्रिंग्स डाउन, मतलब लोगों को जो पैसे देता है उसकी वजह से मैं चार्ज करता हूँ, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता हूँ रेट वाली बात, और उसकी वजह से मेरा बिजनेस क्या हो रखा है, खराब हो रखा है, यहाँ पर कह रहा है कि अगर मैंने उसको पकड़ लिया तो मैं उसको खिला दूंगा ये वो करके, कर्स्ड बी माई ट्राइब इफ आई फॉरगिव हिम, अगर मैंने उसे माफ कर दिया तो मेरे पूरे ट्राइब को श्राप लगे करके, तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में असाइड में ये वाली बात बोल रहा है कौन, शाइलॉक, एकदम गुस्से में है। फिर यहाँ पे बात हो रही है, शाइलॉक क्या कहता है,
ट्यूबल ए वेल्दी हिब्रू ऑफ माई ट्राइब विल फर्निश मी. ये जो तुम्हें 3,000 डकेट्स चाहिए उसके लिए कौन हेल्प करेगा? ट्यूबल. सो दोस्त का नाम हमें यहां से मिल गया, उसके अपने उसमें से का है, और बस दोस्त का नाम नाम याद रख लेंगे, और ज्यादा हमें कुछ नहीं करना. यहाँ पे इन लोग की बात हो गई, डन हो गया कि वो अपना 3,000 डकेट्स वाली बात हम लोग याद रखेंगे, 3 मंथ्स वाली बात याद रखेंगे. शाइलॉक जो प्रॉमिस कर रहा है, मैं वहां दिखा रही हूं आपको शाइलॉक का प्रॉमिस. गो विथ मी टू ए नोटरी, सील मी देयर. शाइलॉक क्या कह रहा है कि चलो अब हम लोग चलते हैं नोटरी के पास, सील लगाते हैं, मुहर लगाते हैं. योर सिंगल बॉन्ड, बॉन्ड पे तुम हो. इफ यू रीपे मी नॉट ऑन सच ए डे, वो जो हमारे दिन की बात हुई है, अगर तुम नहीं पे करोगे इन सच अ प्लेस, सच सम और सम कहते हैं ना कि वहां ये ऐसे करके, सच सम, सच प्लेस, सच डे, एक्सप्रेस्ड इन द कंडीशन जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है. लेट द फोर फीट बी नॉमिनेटेड फॉर, मतलब अब जो तुम नहीं दे पा रहे हो तो मैं तो उसके बदले कुछ लूंगा. वो क्या है? एन इक्वल पाउंड ऑफ योर फेयर फ्लैश. शाइलॉक के शब्दों में, एन इक्वल पाउंड ऑफ योर फेयर फ्लैश. इसको हम लोग छोटे में क्या याद रखते हैं? अ पाउंड ऑफ फ्लैश. टू बी कट ऑफ, तुम्हारे शरीर से कटेगा. एंड टेकन इन व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी प्लीज मी, तुम्हारे शरीर के जिस हिस्से से मुझे काट के लेना होगा मैं लूंगा. यू कैन इमेजिन द सेंटेंस. ठीक, तो ये उसने अपनी कंडीशन शाइलॉक ने यहाँ पे रख दी. एन इक्वल पाउंड ऑफ योर फेयर फ्लैश टू बी कट ऑफ एंड टेकन इन व्हाट पार्ट ऑफ योर बॉडी प्लीज मी. एंटोनियो, आई विल सील टू सच ए बॉन्ड एंड से देयर इज मच काइंडनेस इन दिस यू, कि तुम बहुत दयालु हो. ठीक, बस हेलियो पागल हो गया, कह रहा है कि आई रादर ड्वेल इन माई नेसेसिटी, मतलब तुम रहने दो ऐसे, ये वो मत करो. पर एंटोनियो कॉन्फिडेंट है. वाई फियर नॉट मैन, बेसेनियो को कह रहा है तुम डरो मत. आई विल नॉट फॉरफीट इट, ऐसा होगा ही नहीं कि मैं ये पैसे नहीं दे पाऊंगा. विद इन दीज 2 मंथ्स, 3 महीने की बात है ना, 2 महीने में, दैट इज ए मंथ बिफोर दिस बॉन्ड एक्सपायर्स, बॉन्ड के पूरा होने से 1 महीने पहले ही, आई डू एक्सपेक्ट रिटर्न ऑफ थ्राइस, 3 टाइम्स द वैल्यू ऑफ दिस बॉन्ड. तो इतने मेरे पास पैसे आ जाएंगे कब? 2 ही महीने बाद है. तो तुम निश्चिंत रहो, सवाल ही नहीं उठता है कि ये हमारा जो बॉन्ड है ये क्या होगा, खाली जाएगा, फुरफीट होगा. तो ये अपना बिल्कुल क्या है, कॉन्फिडेंस में है. ठीक एंटोनियो, यस शाइलॉक, आई विल सील अनटू दिस बॉन्ड. ओके, हो गया सारा कुछ. अब यहां से शुरुआत हो गई एक्ट 2 की. तो एक्ट 1 में क्या क्या इवेंट्स हो गए, क्लियर हो गया? जब समरी पढ़ेंगे आपकी एक्ट 1 सीन वाइज वाली समरी, तो ये सारा आपको याद आता जाएगा. और मैं ये ऑलरेडी मार्क्ड वाला भी अवेलेबल करा दूंगी ताकि आपके पास रहे जो हमने क्लास में देखा है. अब हम लोग आ गए एक्ट 2 में. पोर्टिया का हाउस है, बातचीत हो रही है यहाँ पे, मरक्को और उनकी बातचीत हुई है. पोर्टिया ने बताया है कि ऐसे ऐसे फला फला चीज होगी, जो हमें पता है ना. आगे देखेंगे, मतलब जब एकदम पॉइंट आएगा. सीन 2 में लॉन्सलॉन्ट और उसके ये फादर, ओल्ड गोबो वाला नरेटिव है. सो लॉन्सलॉट और उसके फादर का जो डिस्कशन है, कॉमेडी वाला, फन वाला, कहाँ पे है? एक्ट 2 सीन 2, वेनिस के एक स्ट्रीट पे. एक बार मेरा एक थोड़ा सा, आप कह सकते हैं छोटा सा आर्ग्यूमेंट सॉर्ट ऑफ हो गया था इस वाली बात को लेकर के. जो अदर पार्टी थी उसका कहना था कि ओल्ड गोबो गया था वहां पे अपने बेटे को ढूंढने, और मेरा पॉइंट था कि नहीं, वो गिफ्ट लेकर के गया था. तो थोड़ा सा ठीक. सो एंटर ओल्ड गोबो विथ ए बास्केट. ओल्ड गोबो जो है वो क्या लेके आया था? बास्केट. मास्टर यंग मैन, यू आई प्रे यू, विच इज द वे टू मास्टर्स यू. ओल्ड गोबो जो है वो लॉन्सलॉट से पूछ रहे कि यंग मैन मुझे बता दो मास्टर यू का घर किस तरफ है. लॉन्सलॉट असाइड में कह रहा है, देखिए स्टेज के किनारे जाके ऑडियंस से, क्या दिस इज माई ट्रू बिगॉटन फादर. ये पहचान गया कि ये मेरा फादर है जो पहले
पहले से, मतलब हम लोग बिछड़ चुके हैं, सैंड ब्लाइंड हाई ग्रेवल बॉय ब्लाइंड। तो ये बात याद रखिएगा, हमारा जो कैरेक्टर है ओल्ड गोबो, ये होता है ब्लाइंड, अंधा होता है। आई विल ट्राई कंफ्यूजन्स विथ हिम, लॉन्सलॉट क्या कहता है कि मैं इसके साथ मजे लेता हूँ, आई विल ट्राई कंफ्यूजन विथ हिम। सो इनकी अपनी बातचीत है, यहाँ पे होता है कि हाँ भाई ये है मास्टर हमारे ज्यू और ये और वो। सो कैरेक्टर्स के नाम याद हो गए, ओल्ड गोबो, लॉन्सलॉट, एक्ट टू सीन टू, किसके साथ आया है, एक बास्केट के साथ आया है, पूछ रहा है मास्टर ज्यू का घर किधर है। लॉन्सलॉट समय पता चलता है कि वो अंधा है और मैं इसके साथ थोड़े से मजे लूंगा, आई हैव सम कंफ्यूजन। फिर ये इनकी अपनी बातचीत होती है, ठीक। आगे मजे लेने के बाद फिर वो उसको बताता है, आई एम लॉन्सलॉट योर बॉय दैट वॉज, योर सन दैट इज, योर चाइल्ड दैट शैल बी। कंफर्म करता है कि लेट्स हैव नो मोर फूलिंग अबाउट इट, बट प्लीज गिव मी योर ब्लेसिंग, आई एम लॉन्सलॉट योर बॉय, योर सन, योर चाइल्ड। गोबो कहता है आई कैन नॉट थिंक यू आर माई सन, मुझे नहीं लगता। यहाँ भी वो कहता है आई एम श्योर यू आर नॉट लॉन्सलॉट माई बॉय, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरे बेटे हो। ऐसे करके वो नहीं मानने को राजी है, ठीक। लॉन्सलॉट कहता है बट आई एम लॉन्सलॉट द ज्यूज मैन, वो जो आप ज्यू है, मालिक है, उसका आदमी हूं। आई एम श्योर मार्जरी योर वाइफ इज माई मदर, तो पहला एक हिंट देता है कि मुझे पता है अपनी माँ का नाम मार्जरी। सो गोबो कहता है हाँ भाई माँ का नाम मार्जरी है बिल्कुल। दाउ हैस्ट गॉट मोर मोर हेयर ऑन दाई चिन देन डॉबिन, माई फिल हॉर्स हैज ऑन हिज टेल। मैं क्यों नहीं पहचान पाया, बियर्ड की वजह से, दाढ़ी की वजह से। सो मेरे घोड़े के पूंछ में जितने बाल हैं उससे ज्यादा तुम्हारे चिन पे बाल हैं, ऐसे करके। तो ये है ही आपका कॉमेडी वाला एपिसोड है। साथ ही कहता है कि लॉर्ड हाउ आर्ट दाउ चेंज्ड, तुम ऐसे कैसे बदल गए। हाउ डोस्ट दाउ एंड दाई मास्टर अग्री, आई हैव ब्रॉट हिम अ प्रेजेंट, मैं तुम्हारे मास्टर के लिए क्या लेके आया हूँ, प्रेजेंट लेके आया हूँ। लॉन्सलॉट क्या कहता है, फादर आई एम ग्लैड यू आर कम, गिव मी योर प्रेजेंट टू वन मास्टर बसेनियो। तुम जो ये प्रेजेंट लेके आए हो, गिफ्ट लेके आए हो, ये हम लोग किसको दे देते हैं, मास्टर बसेनियो को दे देते हैं। फिर यहाँ पे आता है बसेनियो, उसके साथ लियोनार्डो और भी लोग होते हैं, बताता है उसको कि हाँ ये बसेनियो है। सो इनकी लाइंस को देख लेते हैं। गोबो क्या कहता है, सॉरी मैं इसको बड़ा करना भूल गई थी। गोबो क्या कहता है, आई हैव हियर ए डिश ऑफ डाव्स। सो कभी भी अगर मान लीजिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट बनाते हैं क्वेश्चन और पूछते हैं कि वो जो गिफ्ट देने के लिए चीज लाया था वो क्या था, तो डिश ऑफ डव्स दैट आई वुड बेस्टो अपॉन योर वर्शिप, इसको बसेनियों को दे रहे होते हैं ये लोग। लेंसलॉट भी कहता है कि सर यू सर्व, हाँ सर ये प्लीज ले लो। इंट्रोड्यूस करता है कि ओल्ड मैन येट पुअर मैन माई फादर। बसेनियो क्या कहता है, टू लीव ए रिच ज्यू सर्विस टू बिकम द फॉलोअर ऑफ सो पुअर ए जेंटलमैन। अच्छा यहाँ पे ये कहता है कि मुझे अपने उसमें अपने साथ आने दो। लैंसलॉट कहता है कि जो ज्यू है उसने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ आना चाहता हूँ। लॉन्सलॉट, तो वहां पे बसेनियो कहता है ये वाला पॉइंट, टू लीव ए रिच ज्यूज सर्विस टू बिकम द फॉलोअर ऑफ सो पुअर ए जेंटलमैन, तुम उस अमीर आदमी का साथ छोड़ के मेरे साथ क्यों आना चाहते हो। मतलब कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे, है ना, कि तुम उस अमीर आदमी को छोड़ के मेरे साथ आओ, सर्वेंट ही तो है। फिर बसेनियो का ही होता है, टेक लीव ऑफ दाई ओल्ड मास्टर एंड इंक्वायर माई लॉजिंग आउट, चलो अपने फादर को बाय बोलो और ठीक है चलो मेरे साथ। सो क्वेश्चन आएगा कि लॉन्सलॉट ने किसका साथ छोड़ के किसका साथ निभाया, तो अलग अलग तरीके से पूछ सकते हैं कि पहले किसका सर्वेंट था, बसेनियो का सर्वेंट बनने से पहले, हमारा आंसर होगा शाइलॉक। शाइलॉक का सर्वेंट शाइलॉक को छोड़ के किसके साथ चला जाता है, बसेनियो के साथ चला जाता है। ये छोटे वाले क्वेश्चंस आपके यहाँ पे यहाँ से तैयार हो जाएंगे, ठीक। कहता है फादर कम आई विल टेक माई लीव ऑफ द ज्यू इन द ट्विंकलिंग ऑफ एन आई, जितनी जल्दी आप एक पलक झपकते हो
उतनी ही जल्दी मैं जीव को बाय बोल के और फिर इनके साथ चला जाऊंगा और ये लोग यहां से अपना निकल लेते हैं। ठीक, ये बातचीत हो गई हमारी, यहाँ और कुछ नहीं है? नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा एक्ट टू सीन थ्री। एक्ट टू सीन थ्री, किसका घर? शाइलॉक का हाउस। जेसिका और लैंसलॉट वहां पे आते हैं, बातचीत करते हैं। शाइलॉक समझ रहे हैं? ज्यू मर्चेंट, उसका घर है। एक्ट टू सीन थ्री, जेसिका और लैंसलॉट। जेसिका क्या कह रही है? आई एम सॉरी दाउ विल्ट लीव माई फादर, सो तुम मेरे पिताजी को छोड़ के जा रहे हो। आर हाउस इज हेल, जाहिर सी बात है तुम क्यों जाओगे, क्योंकि ये जो हमारा घर है ये क्या है? हेल है। एंड दाउ ए मैरी डेविल, और तुम क्या हो? एक मैरी डेविल हो। सो जेसिका की बात ये याद रख सकते हैं, किसके लिए है? लैंसलॉट के लिए है, कि आर हाउस इज हेल एंड दाउ अ मैरी डेविल, किसके लिए कहती है? ठीक, लॉन्सलॉन की अपनी लाइफ लाइन है यहाँ पे। इफ अ क्रिश्चियन डिड नॉट प्ले दी नेव एंड गेट दी, कि तुम्हें एक क्रिश्चियन लेके जाएगा करके। ये वाली लाइंस देख लेते हैं। जेसिका अपने आप से कह रही है, फेयरवेल बोल रही है लॉन्सलॉट को, बाय बोल रही कि ठीक है तुम जा रहे हो पापा को छोड़ के, कोई बात नहीं बाय। फिर अपने से क्या कह रही है? What heinous sin is it in me? मेरे अंदर ये क्या पाप है? To be ashamed to be my father's child, मतलब मुझे शर्म आती है अपने फादर का चाइल्ड होने में। But though I am a daughter to his blood, I am not to his manners. मैं खून से उसकी बेटी हूं पर मैं उसके जो तरीके हैं नहीं हूं। ओ लोरेंजो, लोरेंजो का नाम याद रखेंगे। इफ दाउ कीप प्रॉमिस आई शैल एंड दिस स्ट्राइफ, तुम अपना वादा निभाओगे तो मैं ये सब छोड़ के आई विल बिकम अ क्रिश्चियन एंड दाई लविंग वाइफ, जो से क्रिश्चियन बन जाऊंगी और तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी। यह है हमारा सीन थ्री। सीन उतना याद रखना जरूरी नहीं है पर आपको याद हो जाए इनडायरेक्टली, इसलिए मैं उस पर बार बार थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ। अब हम आ गए अपने अगले सीन में। यहाँ पे इनकी थोड़ी सी बातचीत है, हमारे लिए उतना नहीं है कुछ खास। लोरेंजो कहता है कि जाओ जेसिका को बता दो, लैंसलॉट को, कि मैं उसके साथ जाऊंगा, भागूंगा, इलोप करूंगा, मैं उसका साथ नहीं छोड़ूंगा और रात में हम लोग मिलेंगे एंड आई विल बी दी टॉर्च बियरर, ऐसे करके लोरेंजो वहां पे कहता है कि मैं और ग्रेशियानो आएंगे और ये वो हमसे मिलना, बातचीत हो जाती है इनकी। और थोड़े यहाँ पे एक्स्ट्रा लाइन है, अपने आप ही देख लीजिएगा, लोरेंजो और उसकी जो भागने वाली चीज है उससे रिलेटेड है। फिर आ गए सीन फाइव, एक्ट टू सीन फाइव। शाइलो कहता है कि मैं जा रहा हूं, तुम पीछे से दरवाजे बंद कर लो। शाइलो घर से जा रहा होता है एंड ध्यान से सुनो, लॉक अप माई डोर्स, और बच के रहना और कुछ भी ऐसी वैसी चीजें मत करना। लॉन्सलॉट का क्या है? आई विल गो बिफोर सर, मिस्ट्रेस लुक आउट एट विंडो फॉर ऑल दिस, देयर विल कम ए क्रिश्चियन बॉय, विल बी वर्थ ए ज्यूस आईज, तो तुम प्रिपेयर्ड रहना, आएगा तुम्हें लेने। ये लॉन्सलॉट कंफर्म करता है। उसके बाद ये अपना हो जाता है। शाइलॉक, डू एज आई बिड यू, जैसे कह रहा हूं वैसे करो, शट डोर्स आफ्टर यू, दरवाजे बंद कर लो, और फिर वो चला जाता है। जेसिका कहती है, फेयरवेल एंड इफ माई फॉर्चून बी नॉट क्रॉस्ड, आई हैव अ फादर, यू ए डॉटर लॉस्ट, तुमने अपनी बेटी खो दी है, ये जेसिका। फिर ये लोग भागते हैं, अगले वाले सीन में ये लोग भागते हैं। जेसिका यहाँ पे उसको चीजें दे रही हैं, क्या कह रही है? हियर कैच दिस कास्केट, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता लगे, याद रहे कि वो ज्वेलरी लेके भागी थी। हियर कैच दिस कास्केट, इट इज वर्थ द पेन्स, जो हमें उठा के ले जाने की दिक्कत होगी उतना वर्दी है। एंड फॉर आई एम मच अशेम्ड ऑफ माई एक्सचेंज, मुझे है ग्लानी पर क्या करें, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा होता है, एंड लवर्स कैन नॉट सी, जो लोग प्यार में होते हैं वो देख नहीं सकते कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं, ऐसे करके। आई विल मेक फास्ट द डोर्स एंड गिल्ड माई सेल्फ विथ सम मोर डकेट्स, थोड़े और पैसे लेकर के विल बी विथ यू स्ट्रेट, तुम्हारे साथ हो जाऊंगी, ऐसे करके वो बाइबल देती है। यहाँ फिर हमारे
आ जाते हैं मेन पॉइंट पे. सो वो एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे दोनों, लॉन्सलॉट और ओल्ड गोबो वाला जो नरेटिव था, और ये जो इनके भागने वाला नरेटिव था, ये टॉप वाले नहीं थे. टॉप वाले कौन से थे? बॉन्ड वाले, जो पहले बातचीत हुई थी, बॉन्ड वाला वो हमारा टॉप का था. ये थोड़े से आप कह सकते हैं सेकेंड लेवल के हमारे नरेटिव थे. अब ये टॉप वाला नरेटिव है. सो हम हैं एक्ट टू सीन सेवन, बेलमंट. अ रूम इन पोर्टियाज हाउस में. एंटर पोर्टिया आती है, प्रिंस ऑफ मरक्को, पहले वाला सूटर. ठीक, ये बिल्कुल सेट कर लीजिए दिमाग में. ये प्ले में कई बार ये वाली लाइंस आएंगी, पर मैं आपको एक ही बार दिखा रही हूं यहीं पे, जहां पे एक साथ लिखा हुआ है, ताकि ये आपको याद हो जाए. जहां भी नोट्स बनाएंगे जरूर जरूर लिखिएगा, और जरूर जरूर दो बार तीन बार रिवाइज कीजिएगा, क्योंकि आपको कंफ्यूजन होगी यहाँ पे. मतलब है कि होगी ही कंफ्यूजन, इसलिए कई बार रिवाइज करेंगे. देखते हैं, ये पढ़ता है. द फर्स्ट ऑफ गोल्ड हु दिस इंस्क्रिप्शन बियर्स, जो गोल्ड का जो कास्केट है उस पे लिखा है, हु चूज मी शाल गेन व्हाट मेनी मेन डिजायर. मेन डिजायर याद रखिएगा, गोल्ड पे है. सेकेंड सिल्वर, उस पे क्या लिखा है? हु चूज मी शाल गेट एज मच एज ही डिजर्व. सो ही डिजर्व सिल्वर पे. एक थर्ड डल लेड, बताया जाए कि वो सुंदर नहीं था. गोल्ड वाला सुंदर था, सिल्वर वाला सुंदर था, डल वाला सुंदर नहीं था. उस पे क्या लिखा है? हु चूज मी मस्ट गिव एन हजार्ड ऑल ही हाथ. सो ही हाथ याद रखेंगे लेड पे. मेन डिजायर, ही डिजर्व, ही हाथ. याद आपको पूरी पूरी लाइन रखनी है, पर मैं आपको ट्रिक बता रही हूं. डिजायर्स डिजर्व हाथ, डिजायर्स गोल्ड, डिजर्व सिल्वर, ही हाथ लेड पे. हाउ शैल आई नो इफ आई डू चूज दी राइट, मुझे कैसे पता होगा कि मैंने सही चूज किया है? प्रिंस पूछ रहे हैं, पोटिया कह रही है. दी वन ऑफ देम कंटेन्स माई पिक्चर प्रिंस, इफ यू चूज दैट देन आई एम योर्स विथ ऑल. अगर तुमने वो सिलेक्ट कर लिया तो मैं तुम्हारी होंगी. और ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा प्ले के अंदर. इंस्क्रिप्शन ये नहीं कि मोरक्को ने पढ़ा है, ये कि ये लाइंस लिखी हुई थी गोल्ड पे, सिल्वर पे, लेड पे. और नियम क्या था? वो वाला कास्केट चुनना है जिसमें पोर्टिया की पिक्चर हो. अब सवाल उठता है कि मोरक्को ने क्या चूज किया? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे पूरी इनकी कहानी है. कहती है, हियर टेक इट प्रिंस, जो भी तुम्हें सेलेक्ट करना है करो, देन आई एम योर्स. और यहाँ पे आपका आंसर है, ही अनलॉक्स दी गोल्डन कास्केट. सो प्रिंस ऑफ मोरक्को ने क्या सेलेक्ट किया है? गोल्डन कास्केट. क्या मिला उसमें? ओ हेल, व्हाट हैव वी हियर? ए कैरियन डेथ विद इन दोज एम्प्टी आई, देयर इज अ रिटन स्क्रोल. चिट्ठी है, गोल गोल घुमाई हुई जो नहीं होती थी पहले के टाइम में. आई विल रीड दी राइटिंग. सो काफी सारी उसमें लाइंस हैं, ये सारा लिखा हुआ था चिट्ठी में. पहली लाइन याद रखिएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. फिर से रिपीट करते हैं, प्रिंस ऑफ मोरक्को, उसने ओपन करा गोल्डन कास्केट, उसमें मिला कैरियन डेथ, उसकी जो खाली आंखें थी उसमें एक स्क्रोल था. स्क्रोल में काफी लाइंस लिखी हैं, आपको मन होगा पढ़ लीजिएगा. पहली लाइन जरूर याद रखिएगा, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड. ओके, फिर फोटो तो निकली नहीं उसकी, तो बात खत्म हो गई. और कुछ यहां पे? हाँ, नेक्स्ट सीन में सेलेनियो बताता है कि उसने देखा जियो को स्ट्रीट पे. सेलेनियो बता रहा है कि उसने जियो को देखा, मतलब शाइलॉक को देखा, कह रहा है ना, डॉग जियो. वो स्ट्रीट पे था और क्या चिल्ला रहा था? माई डॉटर, ओ माई डकेट्स, ओ माई डॉटर, फ्लेड विथ ए क्रिश्चियन, ओ माई क्रिश्चियन डकेट्स, जस्टिस लॉ, डकेट्स डॉटर, सील्ड बैग, टू सील्ड बैग्स, डबल डकेट्स, ज्वेल्स, स्टोन्स, रिच, प्रीशियस स्टोन. पागल होके सड़क पे चिल्ला रहा था, घूम रहा था. स्टोलन बाय माई डॉटर, जस्टिस फाइंड दी गर्ल, शी हैड दी स्टोन्स अपॉन हर एंड दी डकेट्स. मेरी सारी चीजें लेकर के भाग गई. ये लोग लड़के आपस में बातें कर रहे हैं कि इस तरीके से वो चिल्ला रहा था, मतलब ये चीज हो गया, ये लोग
भाग गए। वहां पे थोड़ा सा हमें दिखाया था, पर यही दिखाया था कि तुम चलो मैं आती हूँ करके। यहां से हमें कंफर्म हो गया कि ये लोग भाग गए। ठीक, अब हम लोग पहुंच गए अपने अगले सीन में। फिर से पोर्टिया का हाउस, नेरिसा, और नेरिसा के साथ आए हैं प्रिंस ऑफ एरेगॉन अपने लिए। सो प्रिंस ऑफ मरक्को कैंसिल हो गए, नेक्स्ट सूटर प्रिंस ऑफ एरेगॉन। प्रिंस ऑफ एरेगॉन भी यही सब देखते हैं, गोल्ड सिल्वर एंड लेड कास्केट, वही वही लाइन पढ़ते हैं। तो मैंने नई अंडरलाइन करा है कि हमने ऑलरेडी एक जगह याद कर लिया है। इंपॉर्टेंट क्या है, ही ओपेंस द सिल्वर कास्केट। प्रिंस ऑफ एरेगॉन क्या सिलेक्ट करते हैं, सिल्वर कास्केट। याद रखेंगे क्या मिलता है उसमें, पोर्ट्रेट पोर्ट्रेट ऑफ ए ब्लिंकिंग इडियट। याद रखेंगे जो मांगता है वहां पे, सिल्वर कास्केट। सिल्वर कास्केट में मिलता है पोर्ट्रेट ऑफ ए ब्लिंकिंग इडियट। उसके अंदर भी कुछ है जिसको वो पढ़ते हैं, अपनी लाइन पढ़ते हैं कि ये क्या है, ये क्या है। रीड्स अगेन, उसके अंदर ये इतनी सारी लाइंस लिखी हैं, हम पहली लाइन याद कर लेंगे। द फायर 7 times ट्राइड दिस, द फायर 7 times ट्राइड दिस। ठीक, ऐसे करके फिर ये अपनी बात होती है। सर्वेंट बताता है एक यंग वेनेशियन आया है, एक यंग वेनेशियन आया है, और ये एक्ट हमारा खत्म हो जाता है। उधर न्यूज पर पता चलता है कि एंटोनियो के जो शिप हैं वो क्या हो गए, रेक्ट हो गए। सेलेरिनो बताता है कि वो जो एंटोनियो है उसके जहाज क्या हो गए, रेक हो गए। ये बात हमें पता चल गई। शाइलॉक बहुत खुश है, पहले तो पूछता है मेरी बेटी का कुछ पता चला, ट्यूबल कहता है नहीं बेटी का तो नहीं कुछ पता चला, पर एंटोनियो का ये सुनने में आया है। क्या सुनने में आया है, हाथ एंड आर्गो सी कास्ट अवे कमिंग फ्रॉम ट्रिपलिस, उसके जहाज खराब हो गए। शाइलॉक, आई थैंक गॉड, आई थैंक गॉड। अभी उसके पैसे लेके भागी हुई है लड़की, लेकिन शाइलॉक के पैसे खराब हो गए, मैं थैंक गॉड, इट्स ट्रू है ना, ऐसे करके बहुत ही ज्यादा खुश है। तो ये इनकी अपनी यहाँ पे बातचीत है। बेटी पैसे खर्च कर रही है, इसके पास न्यूज आ रही है कि वहां पे ये ज्वेल दिया, वहां पे ये करा, वहां पे जैसे क्रेडिट कार्ड को यूज करता है तो न्यूज आती है ना, उसी तरीके से। अब बेसेनियो आ गया, बेसेनियो कह रहा है लेट मी चूज। ठीक है, और यहाँ पे इनकी बहुत बातचीत होती है, क्योंकि वो थोड़ा सा टालना चाहती है कि अभी तुम और कुछ टाइम मेरे साथ स्पेंड कर लो, मत चूज करो। फाइनली वो चूज करता है ओपनिंग द लेडन कास्केट एंड फेयर पोर्टियास काउंटर फीट। किसकी तस्वीर मिली, पोर्टिया की, फेयर पोर्टियास काउंटर फीट। अब यहां से हमारा थोड़ा सा, उसके अंदर भी चिट्ठी है, चिट्ठी में लिखा हुआ है, पहली दो लाइन याद रखेंगे, यू दैट चूज नॉट बाय द व्यू चांस एज फेयर एंड चूज एज ट्रू, जो तुम सुंदरता पे जाकर के तुमने नहीं सिलेक्ट करा, तुम्हें मिला है जो कि फेयर है और जो कि ट्रू है, तुम्हें ये चीज मिल गई है ना। सो वो उसको मिल जाता है। फिर ये लोग बात कर रहे होते हैं एंटोनियो के बारे में कि कोई खबर आई एंटोनियो की, कुछ पता चला। हैव ऑल हिज वेंचर्स फेल्ड, सब खराब हो गया। व्हाट, नॉट वन हिट, एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, नहीं। ट्रिपलिस का, मेक्सिको का, इंग्लैंड का, लिस्बन का, बारबरी का, इंडिया का, सारे जितने भी चीजें थी सब खराब हो गई, एक भी बच के वापस नहीं आया है, सब खराब हो गया। इधर ये लोग अपना साथ में जब हो गए हैं तो बसेनियो पोर्टिया को अपनी चीजें बता रहा होता है। पोर्टिया, इज इट योर डियर फ्रेंड दैट इज डज इन ट्रबल, क्या तुम्हारा दोस्त तकलीफ में है। बताता है उसको, जियो को कितने पैसे देने हैं, बसेनियो बताता है 3,000 ducats। पोर्टिया का आप देखिए यहाँ पे कितनी सही है, पे हिम 6,000, डिफेस द बॉन्ड, 6,000 दे दो, डबल दे दो 6,000 के। उसके पहले चर्च चलो, कॉल मी वाइफ, फिर तुम तुरंत वेनिस जाओ और अपने दोस्त को बचाओ। टू पे दी पेटी डेट 20 times ओवर, 20 गुना भी देना पड़े दो, पर दोस्ती निभाओ। ये पोर्टिया की लाइन्स हैं, इस तरीके से जाओ। और इधर पीछे से मैं और नेरिसा, हम लोग एक नौकरानियों और विडो वाली जिंदगी जिएंगे, मतलब सिंपल ऐसे रहेंगे, बहुत कुछ नहीं होगा। ठीक, तो वो उसको मिल जाता है। अब ये लोग वहां से चले गए, कहाँ पे आ गए, वेनिस।
शाइलॉक, आई विल हैव माय बॉन्ड, स्पीक नॉट अगेंस्ट माय बॉन्ड, आई विल हैव माय बॉन्ड. एंटोनियो कुछ कह रहा है, नहीं शाइलॉक, आई विल हैव माय बॉन्ड, आई विल हैव माय बॉन्ड. कुछ सुनने को राजी नहीं है. अब होता है कि भाई चलो ड्यूक के पास चलते हैं, ड्यूक ही फैसला करेंगे. ठीक, ड्यूक के पास आ गए. इधर आपके वहां पे बेलमॉन्ट में पोर्टिया और नेरिसा अपनी बातचीत कर रहे हैं, इनको खबर तो मिली गई है. बाल्थसार को बुलाते हैं. नाउ बाल्थसार, जो नौकर है, टेक दिस लेटर, चिट्ठी लो, जितनी तुम्हारे में ताकत है उतनी स्पीड से पादुआ जाओ, मेरे कजन को डॉक्टर बेलेरियो को ये चिट्ठी दो और उनसे कहो कि मुझे नोट्स और गारमेंट्स दे और तुम उसको लेके इमेजिन्ड स्पीड के साथ वापस आओ. किसको भेज रही है? बाल्थसार को. चिट्ठी लो, पादुआ जाओ, डॉक्टर बेलेरियो से मिलो, नोट्स और गारमेंट्स लेकर के दुगनी स्पीड से वापस आओ. ठीक मैडम, मैं जा रहा हूं. पोर्टिया, वी विल सी आर हस्बैंड्स बिफोर दे थिंक ऑफ अस, हम लोग मिलेंगे अपने हस्बैंड से. ऐसे करके यहाँ पे मेन मेन लाइन मैंने आपको मार्क कर दिया है. ये बीच में लॉन्सलॉट और जेसिका की बात है, हम लोग इसको इग्नोर करते हैं. खाली इतना सा देख लीजिए, आई शैल बी सेव्ड बाय माय हस्बैंड, ही हाथ मेड मी ए क्रिश्चियन. जेसिका की शादी हो गई है और वो क्या बन गई है? क्रिश्चियन बन गई है. एक्ट फोर, ड्यूक के सामने की बातचीत है. उसमें हम लोग मेन मुद्दे पे चलते हैं जहां पे असली बातचीत हो रही है. बसेनियो, फॉर दाई 3,000 डकेट्स हेयर इज 6, जो तुमने 3,000 रुपए दिए थे ये रहे उसके बदले के 6. शाइलॉक, आई वुड हैव माई बॉन्ड, मुझे मेरा बॉन्ड चाहिए. द पाउंड ऑफ फ्लैश विच आई डिमांड ऑफ हेम. ड्यूक कह रहे हैं यहाँ पे कि बेलेरियो, ए लर्नेड डॉक्टर हुम आई हैव सेंड फॉर टू डिटरमाइन दिस, कम हियर टुडे. सो क्योंकि मुझे इसका, इस केस का इतना ज्यादा आइडिया नहीं है, मैंने किसको बुलाया हुआ है? बेलेरियो को बुलाया हुआ है, जो कि एक लर्नेड डॉक्टर है. वो आएगा और इस केस को समझेगा. इतने में सेलेरियो बोलता है, अब मैसेंजर विथ लेटर्स फ्रॉम द डॉक्टर नाउ कम फ्रॉम पादुआ. एक मैसेंजर आया है, उसके पास चिट्ठी है डॉक्टर से. कहां से आया है? पादुआ से. ठीक, मैसेंजर आया है, बुलाया जाए. ड्यूक कहते हैं ब्रिंग अस द लेटर, कॉल द मैसेंजर. चिट्ठी लाओ, मैसेंजर बुलाओ. कौन है ये? नेरिसा, ड्रेस्ड लाइक ए लॉयर्स क्लर्क. याद रखेंगे, नेरिसा ड्रेस्ड लाइक ए लॉयर्स क्लर्क. फिर यहां पे चिट्ठी दी जाती है. व्हाई डोस्ट थाउ वेट थाई नाइफ सो अर्नेस्टली. बसेनियो और शाइलॉक की बात हो रही है कि तुम इतने, मतलब चाकू पे इतना क्या वो अपने ध्यान लगाए बैठे हो. शाइलॉक, टू कट दी फोर फीचर फ्रॉम दैट बैंक्रप्ट देयर, वो जो वहां पे बैंक्रप्ट होके खड़ा है उससे फोर फीचर काटने के लिए. ठीक, यहाँ पे अब हम लोग, कुछ कुछ लोग उसको काउंटर करते हैं तो कहता है आई स्टैंड हियर फॉर लॉ, मैं तो कानून के हिसाब से खड़ा हूं. ड्यूक, दिस लेटर फ्रॉम बेलेरियो डॉथ कमेंड अ यंग एंड लर्नेड डॉक्टर टू आर कोर्ट, वेयर इज ही. सो वो जो चिट्ठी थी उसमें कहा था कि मैं नहीं आ पा रहा हूं और मेरी जगह एक दूसरा लर्नेड डॉक्टर वहां पे आएगा. तो ड्यूक कहते हैं कहां पे है वो लर्नेड डॉक्टर, बुलाया जाए उसको. द कोर्ट शैल हियर बेलेरियोस लेटर, चिट्ठी पढ़ो और जितने लोग हैं यहाँ पे सब लोग उस चिट्ठी को सुनो. सो क्लर्क रीड्स, क्या करता है? आई एम वेरी सिक, कौन कह रहा है? वो जो डॉक्टर जिसको आना था वो कह रहा है आई एम वेरी सिक, ए यंग डॉक्टर ऑफ रोम, हिज नेम इज बाल्थसार. अपने नौकर का नाम लिया है उसने, कहां से? रोम से. एक यंग डॉक्टर आया है, उसको इस कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में पता है. कॉन्ट्रोवर्सी कौन सी? जू और एंटोनियो के बीच वाली कॉन्ट्रोवर्सी. हमने साथ में कई किताबें पढ़ी हैं एंड वो जो भी बताएगा वो मेरे ओपिनियन के साथ मैच करता है और मेरी जगह वो इस वाले फैसले को देखेगा. मुझे नहीं पता था कि इतना यंग पर्सन के पास इतना एक्सपीरियंस या नॉलेज हो सकता है. ठीक, सो ऐसे करके उस चिट्ठी में अप्रूवल दिया गया है. सो ड्यूक कहते हैं बुलाया जाए डॉक्टर को. पोर्टिया, ड्रेस्ड लाइक ए डॉक्टर ऑफ लॉज, वो जो मैंने आपको बताया था, याद रखेंगे टर्म. डॉक्टर 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 लिखा है,
पर किसका डॉक्टर? कानून का डॉक्टर है, वो दवाई वाला नहीं। हमारे में भी पीएचडी होती है ना, डॉक्टर होता है उसी तरीके से। ठीक, ड्यूक कहते हैं स्वागत है, टेक योर प्लेस। पोटिया कहती है वेयर इज द मर्चेंट हियर एंड विच इज द ज्यू, कौन लोग कौन है। सो ड्यूक बताते हैं ये है एंटोनियो, ये है शाइलॉक, दोनों तुम्हारे सामने खड़े हैं। पोटिया पूछती है तुम्हारा नाम शाइलॉक है? शाइलॉक कहता है हाँ मेरा नाम शाइलॉक है। पोटिया कहती है एंटोनियो से डू यू कन्फेस द बॉन्ड, अग्री कर रहे हो? कहता है मैं कर रहा हूँ। फिर पोटिया कहती है ज्यू से कि तुम थोड़े से मर्सीफुल हो जाओ, थोड़ी दया कर दो। नहीं, आपको पता है वो क्या बोलेगा है ना, एंड वॉट कंपल्शन मस्ट आई टेल मी दैट, क्यों मजबूरी, क्यों मुझे प्रेशर डाल रहे हो, क्यों मैं उसके ऊपर दया दिखाऊं। शाइलॉक आई क्रेव दी लॉ, मुझे न्याय चाहिए, द पेनल्टी एंड फोरफीट ऑफ माई बॉन्ड, मेरा जो बात पूरा नहीं हुआ है उसके बदले का पेनल्टी दो। पोर्टिया क्या वो पैसे नहीं दे पाया, क्या तुम पैसे दोगे, मतलब पूछा जा रहा है। तो बसेनियो कह रहा है कि हाँ ट्वाइस दी सम, मैं 6,000 देने को राजी हूं, नहीं तो मैं 10 बार देने को राजी हूं, 10 टाइम्स। बसेनियो बसेनियो कितना गिल्ट में होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। पोर्टिया मुझे बॉन्ड देखने दो। पोर्टिया शाइलॉक से कहती है थ्राइस दाई मनी ऑफर्ड दी, कि तुम्हें 3 गुने पैसे देने को कह रहे हैं। शाइलॉक ओ तिजोत, जो है सो है। अपन पाउंड ऑफ फ्लैश टू बी बाय हिम कट ऑफ नियरेस्ट दी मर्चेंट्स हार्ट, उसके दिल के नजदीक। देखो वहां पे था कि मुझे जहां से भी मन करेगा, यहाँ पे वो कह रहा है कि मैं पाउंड ऑफ फ्लैश काटूंगा मर्चेंट के हाथ हार्ट के पास से, वो ऊपर कह रहा है। सो पोर्टिया उससे कह रही है कि तुम ऐसे ऐसे कह रहे हो, मर्सीफुल हो जाओ, टेक थ्राइस दाई मनी बिड मी टियर दी बॉन्ड, तुम 3 गुने पैसे ले लो, बॉन्ड फाड़ दो। हाँ आई एम हियर ऑन माई बॉन्ड। एंटोनियो दुखी है, पैसिव है, कह रहा है भैया तुम दे दो अपना जजमेंट, तुमको जो कहना है करो, आई विल फॉलो दिस। पोटिया कह रही है यू मस्ट प्रिपेयर योर बॉजम फॉर इज नाइफ, अपना जो भी कलेजा है मजबूत कर लो उसके चाकू के लिए। शाइलॉक खुश, ओ नोबल जज, ओ एक्सीलेंट यंग मैन, और इसीलिए कभी कभी उसको जज भी कहा जा रहा है लॉयर को, जो डॉक्टर वाला टर्म, लॉयर वाला टर्म, जज वाला टर्म, ये आपके समरी में अलग अलग टर्म्स इस वजह से आ रहे हैं, है ना, जो मैंने बताया था आपको कि अलग अलग शब्द देखने को मिलेंगे। तो शाइलॉक कह रहा है कि ओ नोबल जज, ओ एक्सीलेंट यंग मैन, शुरू हो गया। शाइलॉक कह रहा है नियरेस्ट हिज हार्ट, उसके दिल के बिल्कुल पास से निकालूंगा मैं। शाइलॉक आई हैव देम रेडी, रेडी हूं। पोटिया कह रही है सर्जन बुला लो टू स्टॉप हिज वूंड्स लेस्ट ही डू ब्लीड टू डेथ, नहीं तो वो बेचारा मर जाएगा, खून बहने से मर जाएगा। एंटोनियो आई एम आर्म्ड एंड विल प्रिपेयर्ड। बसेनियो फेयर यू वेल, एंटोनियो बाय बोल रहे हैं, बसेनियो को कह रहे हैं मैं तैयार हूं काट लो, और अपने दोस्त को क्या बोल रहे हैं बाय। बसेनियो बेचारा दुखी, आई वुड लूज ऑल, सेक्रीफाइस देम ऑल, कुछ भी कर लो मैं सब छोड़ने को राजी हूं, मेरे दोस्त को बचा लो। अब देखिए पोर्टिया आई प्रे दी परस्यू सेंटेंस, मैं लाइंस बोल रही हूं ध्यान से सुनो। अ पाउंड ऑफ दैट सेम मर्चेंट्स फ्लैश, मोस्ट राइटफुल जज, कह रहा है हाँ, एंड यू मस्ट कट दिस फ्लैश फ्रॉम ऑफ हिज ब्रेस्ट, उसके सीने पे से काटोगे, दैट लॉ अलाउज इट एंड द कोर्ट अवॉर्ड्स इट, कि हाँ ठीक है कानून के हिसाब से सही है, कोर्ट ओके बोल रहा है। शाइलॉक मोस्ट लर्नेड जज, बहुत अच्छे से आपको सब पता है। पोर्टिया देयर इज समथिंग एल्स, ये वो बट वाला पॉइंट है, ये वो बट वाला पॉइंट है, टारी अ लिटिल, लेकिन देयर इज समथिंग एल्स, दिस बॉन्ड डॉथ गिव दी हियर नो जॉट ऑफ ब्लड, खून की कोई बात नहीं हुई है। द वर्ड्स एक्सप्रेसली आर ए पाउंड ऑफ फ्लैश, यही लोगे तुम अ पाउंड ऑफ फ्लैश, टेक देन दाई बाउंड बॉन्ड, टेक दाउ दाई पाउंड ऑफ फ्लैश, काट लो अपना बॉन्ड, लो अपना पाउंड ऑफ फ्लैश काट लो, बट इन द कटिंग इट, काटते समय इफ दाउ दोस्त शेड, अगर तुम्हारे हाथों से गिरा वन ड्रॉप ऑफ क्रिश्चियन ब्लड, एक भी क्रिश्चियन खून का बूंद, दाई लैंड्स एंड गुड्स
आर बाय द लॉज ऑफ वेनिस कॉन्फिस्केट अनटू द स्टेट ऑफ वेनिस, तुम्हारी जितनी भी लैंड है, जितनी भी चीजें हैं, वेनिस के कानून के हिसाब से कब्जे में ले ली जाएंगी, और वो सब किसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी? वेनिस की प्रॉपर्टी हो जाएगी। शॉक्ड नहीं, ग्रेशियानो खुश, शाइलॉक शॉक्ड, ये कानून है। रिपोर्टियां बताती है कि हाँ ये है। शाइलॉक बैक ऑफ हो रहा है, आई टेक दिस ऑफर, देन पे दी बॉन्ड थ्राइस एंड लेट दी क्रिश्चियन को, 3 गुने पैसे दे दो, मैं क्रिश्चियन को जाने दूंगा, बस एनियो रेडी है, ये रहे पैसे। पोर्टिया, ही शैल हैव नथिंग बट दी पेनल्टी, तुम काटो, खून खून गिरते ही यू विल गेट दी पेनल्टी। ग्रेशियानो, लर्नेड जज, लर्नेड जज, तारीफ कर रहा है दोस्त। पोर्टिया, देयरफॉर प्रिपेयर दी टू कट ऑफ द फ्लैश, शेड डाउन नो ब्लड, तुम काटो फ्लैश, कोई खून नहीं, बूंद नहीं गिरना चाहिए, अगर गिरा तो यू विल गेट दिस पेनल्टी। डाउ डाइस्ट एंड ऑल दाई गुड गुड्स आर कॉन्फिस्केट, सारी तुम्हारी चीजें क्या कर ली जाएंगी, कब्जे में ले ली जाएंगी। शाइलॉक फिर पीछे हट रहा है, मुझे मेरे पैसे ही दे दो एंड लेट मी गो, वो जो 3,000 थे वही दे दो, प्रिंसिपल अमाउंट ही दे दो। बसेनियो कह रहा है ये रहा ये लो। पोर्टिया कह रही है नहीं, ही शैल हैव मियरली जस्टिस एंड हिज बॉन्ड, जो उसने गाना गाया था ना, मेरा बॉन्ड मेरा बॉन्ड मेरा बॉन्ड, वही कह रही है पोर्टिया। ठीक, तो आपको यहाँ पे मेन मुद्दे की बात समझ में आ गई। व्हाट, फिर उस पे जाता है, एंटोनियो के ऊपर चली जाती है बात की, एंटोनियो तुम कुछ कर लो। सो पोर्टिया एंटोनियो से कहती है, व्हाट मर्सी कैन यू रेंडर हिम एंटोनियो, तुम उसको माफ करना चाहते हो, कैसे माफ करना चाहते हो? एंटोनियो कहता है, एक, बन जाए क्रिश्चियन, बिकम ए क्रिश्चियन, दूसरी, उसकी सारी चीजें गिफ्ट कर दे लोरेंजो और उसकी बेटी को, जो भी उसके पास है, किसको गिफ्ट कर दे? लोरेंजो और उसकी बेटी को, क्रिश्चियन बन जाए, गिफ्ट कर दे, कहता है एंटोनियो। ड्यू कहते हैं कि हाँ ऐसा करो, शाइलो कहता है ठीक है मैं ऐसा करूंगा, पोटिया कहती है क्लर्क ड्रॉ दी डीड, वो डॉक्यूमेंट बना लो, शाइलो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूं यहाँ से एंड आई विल साइन इट, ऐसे करके यहाँ से ये सारी चीजें बाय हो जाती हैं। और इसके बाद ये जो रिंग वाली चीज है, ये आप लोग अपने आप पढ़ लीजिएगा, है ना, रिंग वाली चीज अपने आप कर लीजिएगा। और हमने यहाँ पे, वैसे मैं आपको बता देती हूँ रिंग वाली बात क्या होती है, वो लोग वहां पे जो बाल्थसार है, जो वहां पे बन के आया है डॉक्टर ऑफ लॉ, पोर्टिया, वो कहती है कि भाई मुझे तुम लोगों से कुछ कुछ चीजें चाहिए, ये जो मैंने करा, तो एंटोनियो का ग्लव लेती है कि मैं पहनूंगी, और इससे कहती है अपनी रिंग दे दो बसेनियो से, मजे लेने में, तो कहता है नहीं ये मेरी वाइफ का रिंग है, कहती है नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, अगर ये नहीं दोगे तो ठीक है मैं जा रही हूँ। थक हार के मजबूरी में काफी बातचीत के बाद रिंग दे देता है। फिर वो लोग अपने घर पहुंच जाते हैं, ये लोग बाद में पहुंचते हैं, रिंग की भैंसा भैंसी होती है, फिर कहती है देखो ये रहा मेरा रिंग, मैंने ना टाइम स्पेंड करा था ऐसे ऐसे डॉक्टर ऑफ लॉ के साथ, उसको लगता है मेरी वाइफ ने मुझे धोखा दिया ये वो करके, फिर फाइनली बात आ जाती है कि ये रही चिट्ठी, ये रहा सब कुछ, ये पढ़ लो, हम ही थे जो वहां पे गए थे, और रिंग तुमने मुझे कोई दिया था, ऐसे करके लाइटर नोट पे फिर हमारा प्ले एंड हो जाता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस करा था मर्चेंट ऑफ वेनिस डिटेल में, लेवल 3। मुझे नहीं लगता इतने डिस्कशन के बाद अब आप इसमें से कुछ भी करोगे गड़बड़। सो ये कैरेक्टर्स पढ़े, वो हमने लाइंस पढ़ी, और उससे पहले हमने बेसिक डिटेल्स पढ़े। आप अपने स्टडी मटेरियल में से शॉर्ट समरी और बड़ी समरी दोनों पढ़ लोगे। ठीक, तो ये थे आज की क्लास, मिलते हैं कल, टेक केयर, बाय बाय।